गाइस आज के वीडियो में मैं इस पुरानी वुडन ट्रे को पेंट करके देने वाली हूँ एक बहुत ही नया लुक, जिससे ये ट्रे बहुत ब्यूटीफुल बन जाएगी। सो उसके लिए सबसे पहले हमें अप्लाई करना है इस ट्रे पे वाइट जेसो, जिससे कि हमारे एक्रेलिक कलर्स को एक बहुत ही स्मूथ बेस मिल जाए। इसके ऊपर जो हमने जेसो पेंट अप्लाई किया था ये बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है और अब हमें अप्लाई करना है बेस कोट। उसके लिए मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ चॉक पेंट विच इज इन सैंडस्टोन कलर। इसको हम जल्दी से इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे। सो नाउ आई विल जस्ट टेक माय चॉक पेंट। एक कोट ब्रश से अप्लाई करने के बाद अब मैं स्पॉन्ज से इसको टेक्सचर्ड लुक देने के लिए मैं इसको स्पॉन्ज की हेल्प से पेंट को अप्लाई करूंगी। गाइस स्पॉन्ज की हेल्प से हमें बहुत ही अच्छा टेक्सचर्ड लुक मिलता है। ब्रश से करने से कई बार ब्रश मार्क्स आते हैं बट स्पॉन्ज से हमें हमेशा बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्सचर्ड लुक मिलता है। अब हमने इसके ऊपर जो ये चॉक पेंट अप्लाई किया था ये बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है और अब हमारे को स्टार्ट करना है प्रोसेस इसको बहुत ब्यूटीफुल बनाने का। उसके लिए हम इसके ऊपर क्रिएट करेंगे रैंडम पैटर्न्स विद डिफरेंट कलर्स। गाइस इस ट्रे को हम बोहो स्टाइल में पेंट कर रहे हैं एंड दिस लुक्स रियली अमेजिंग। इसमें जनरली हम जब भी बोहो स्टाइल में पेंटिंग करते हैं वी ट्राई टू यूज ऑलवेज यू नो अर्थी शेड्स जो हमारे अर्थ से रिलेटेड होते हैं। सो दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग ग्रीन कलर, मस्टर्ड कलर, बेसिकली शेड्स ऑफ ब्राउन्स एंड ग्रीन्स वी यूज। गाइस मेरे को तो ये कलर करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और हम जो शेड्स इसमें यूज कर रहे हैं दे आर लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। कितने वाइब्रेंट कलर्स लग रहे हैं इस बेस पे। गाइस ये रैंडम पैटर्न्स क्रिएट करना मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। वी आर नॉट फॉलोइंग एनी डिज़ाइन राइट नाउ, मैं बस ऐसे ही रैंडम पैटर्न्स क्रिएट कर रही हूँ। सीरियसली ये पेंटिंग बहुत ही माइंड को काम करती है और बहुत ही ईजी है करना। और अब तो सीरियसली बच्चों की भी समर हॉलीडे स्टार्ट हो गए हैं एंड इवन यू नो दिस इज सो ईजी, दे कैन ऑल्सो क्रिएट दीज काइंड ऑफ पेंटिंग्स, दे कैन डू ऑन पेपर एज वेल, सो वी कैन डू ऑन एनी काइंड ऑफ बेस। और जिस तरीके से हम इस पुरानी ट्रे को भी रिक्रिएट कर रहे हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आउटकम आने वाला है। हमने इसके ऊपर अब बहुत ही डिफरेंट तरीके के पैटर्न्स क्रिएट कर लिए हैं यूजिंग ऑल डिफरेंट डिफरेंट शेड्स। इसमें हमने पिंक का भी यूज़ किया है, ब्राउन, मस्टर्ड एंड टर्कवाइज कलर एंड ऑल दीज कलर्स आर लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स अब हमारा ये पेंटिंग का जो हमने बेस क्रिएट किया है बिल्कुल रेडी हो चुका है, हमारे सारे पैटर्न्स तैयार हो चुके हैं और अब हमें स्टार्ट करना है इसके ऊपर ड्रॉ करना ब्यूटीफुल लीव्स और फ्लावर्स का पैटर्न इस पेंसिल की हेल्प से। तो मैं जल्दी से ब्यूटीफुल फ्लावर्स और लीव्स का पैटर्न ड्रॉ करना स्टार्ट करूँगी। मैं यहाँ पे पेंसिल की हेल्प से बहुत ही एक बेसिक हर चीज़ की लोकेशन डिसाइड कर रही हूँ। मैं यहाँ पे सेंटर में जैसे एक फ्लावर बनाने वाली हूँ, इधर एक लीव बनाऊंगी और ये यहाँ पे भी मैं लीव्स क्रिएट करूंगी। सो मैं बेसिकली हर चीज़ की एक रफ स्केच तैयार कर रही हूँ अभी। आई एम नॉट मेकिंग एनीथिंग फाइनल राइट नाउ, हर चीज़ की एक रफ लोकेशन मैं डिसाइड कर रही हूँ। अब ब्लैक कलर एक्रेलिक की हेल्प से हम लीव्स को क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स इसी सेम प्रोसेस को रिपीट करके हम हर जगह पे इस ब्लैक कलर की हेल्प से रैंडम पैटर्न्स क्रिएट करेंगे एंड आई एम रियली एंजॉयिंग व्हाइल डूइंग दिस आर्ट। आई होप इवन यू आर लविंग दिस प्रोसेस। फ्रेंड्स जब भी आप अपने घर पे बोर हो रहे हो यू नो कलरिंग इज द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू। इससे आपका माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स होगा एंड यू जस्ट नीड सम ब्रशेज, सम कलर्स एंड वन पेपर और आप बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें अपने आप क्रिएट कर सकते हैं। और साइड बाई साइड द बेस्ट पार्ट इज यू विल फील रियली रिलैक्स्ड आफ्टर डूइंग दीज कलर्स। गाइज बिकॉज ये ट्रे है मेरे पास एक फ्लैट सरफेस नहीं है, इसीलिए आज मुझे इस ट्रे में थोड़ा सा अपना हाथ को अंदर डाल के पेंट करना पड़ रहा है। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू बिकॉज ये तो मुझे करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इट इज़ रियली यू नो डिफिकल्ट कि मैं ऊपर से पेंट करूँ। फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कैसे मैं हर चीज़ की आउटलाइनिंग सिर्फ एक ब्लैक कलर से कर रही हूँ एंड उसी से ही ये जो हमारी ट्रे का डिज़ाइन है कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल निकल के आ रहा है। और अभी तो इन फ्लावर्स की डिटेलिंग भी बाकी है।
फ्रेंड्स, ये जो हमारा सेंटर में फ्लावर है इसको क्रिएट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ईयरबड, बिकॉज मुझे यहाँ पे रैंडम सर्कल्स बनाने हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे। सो हम ईयरबड की हेल्प से इसमें सर्कल्स क्रिएट करेंगे। और छोटे सर्कल्स क्रिएट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ यूट्यूब पिक की बैक साइड। ऐसे कुछ स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होने वाला है, मैं बिल्कुल रैंडम तरीके से कुछ बड़े सर्कल्स कुछ छोटे सर्कल्स क्रिएट करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, अब बाकी के फ्लावर्स की डिटेलिंग के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये परमानेंट मार्कर। आप चाहें तो आप पेंट मार्कर भी ले सकते हैं। और अब इस मार्कर की हेल्प से हमें सिर्फ क्रिएट करनी है बहुत ही पतली पतली लाइंस। हमें इसी तरीके से बहुत ही पतली पतली लाइंस क्रिएट करनी है बिल्कुल पास पास, जैसे कि फ्लावर्स के फोल्ड्स और फ्लावर्स में और ज़्यादा डिटेलिंग ऐड होती चली जाए। फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं सिर्फ इस ब्लैक कलर के पेन से मैं आउटलाइनिंग करे जा रही हूँ, और इसी से ही ये ट्रे हमारी कितनी ब्यूटीफुल लगने लगी है। इट इज़ जस्ट एनहैंसिंग विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लैक कलर। सो गाइज, अब जल्दी से मैं और डिटेलिंग ऐड करूँगी इस थोड़े मोटे मार्कर से, जहाँ जहाँ पे भी मुझे थोड़ी थिक लाइन्स चाहिए। सो आई विल जस्ट ऐड दोज लाइन्स विद द हेल्प ऑफ दिस थिक मार्कर। फ्रेंड्स, हमारी इस ट्रे पे जितनी भी हमने डिटेलिंग करी थी ये सारी ख़त्म हो चुकी है, और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है ट्रे। और अब इसके ऊपर रहता है एक लास्ट स्टेप। इसके जो ये दोनों हैंडल्स हैं इनके ऊपर मैं फेविकॉल की हेल्प से ये जूट रोप को पेस्ट करने वाली हूँ, सो दैट हैंडल्स को भी एक बहुत ही अर्ली लुक मिल जाए। सो वी विल जस्ट अप्लाई फेविकॉल ऑन दिस हैंडल। हम चारों साइड्स पे इस फेविकॉल को अच्छे से अप्लाई करेंगे, और अब इस जूट रोप को हम इसके ऊपर पेस्ट करना स्टार्ट करें। हमें बहुत ही ध्यान से इस काम को आराम से करना है, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम, कि ये पेस्ट होने में हल्का सा टाइम लगेगा। इसी सेम तरीके से हम दूसरी हैंडल पे भी जूट रोप को पेस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं जूट रोप को पेस्ट करने से कितनी अर्दी लुक मिल गई है हमारी ट्रे को, और हैंडल्स को भी बहुत ही अच्छी एक फिनिश मिल गई है। इट इज़ लुकिंग रियली नाइस, और इसमें हमने कुछ भी फैंसी यूज़ नहीं करा है। इट इज़ रियली यू नो सिंपल, बहुत ही रफ जो जूट रोप मिलती है ये मैं वही पेस्ट कर रही हूँ, इसमें कुछ भी हम फैंसी नहीं लगा रहे हैं। फ्रेंड्स, अब इस पे जूट रोप बहुत ही अच्छे से पेस्ट हो चुकी है, और अब रहता है एक लास्ट स्टेप जो है इस ट्रे के लिए प्रोटेक्शन। वो मैं अप्लाई करने वाली हूँ वार्निश, जिससे हमने जितने भी इस पे कलर्स अप्लाई किए हैं वो हमेशा ऐसे ही सेम तरीके से रहेंगे, वो कभी भी खराब नहीं होंगे, और हमारी ट्रे को मिल जाएगा एक वाटरप्रूफ इफेक्ट। हमने इसके ऊपर वार्निश बहुत अच्छे से अप्लाई कर ली है, एंड इट विल टेक एटलीस्ट 10 मिनट्स की वार्निश हमारी ड्राई हो। एंड सीरियसली फ्रेंड्स, दिस ट्रे हैज गॉट सच अ न्यू लुक, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। और ये डिजाइन बनाना कितना ज्यादा सिंपल था, हमने बिल्कुल भी इसमें कुछ ज्यादा सामान यूज नहीं किया है, एंड दिस इज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। द आउटकम हैज कम रियली नाइस।